Boing. Bingo Comedy Adda. हेलो एंड वेलकम टू बिंगो कॉमेडी अड्डा। मैं हूं नवेद। स्वागत है आपका कॉमेडी से भरे एक अनोखे शो बिंगो कॉमेडी अड्डा में। यहां हर रविवार होंगे कई अनोखे सेलेब्स, जिनसे करेंगे हम कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें। बीवी की वाइंस बोलते हैं तो मैं चढ़ जाता हूं। क्यों? अम्बानी को देख के बोला अरे रिलायंस। खूब होगी मस्ती, खूब होंगे प्रैंक्स। इनका तो हो गया बॉय। मुझे पता था ये रेडियो पे भी काटते हैं, यहां पे भी काटते हैं। और देंगे हम आपको कॉमेडी का ओवरडोज। कैसी चल रही है सर शादी? जैसी आपकी। शुरू करते हैं बिंगो कॉमेडी अड्डा। तो शुरू करते हैं इस सीधी दुनिया की टेढ़ी न्यूज से, यानी के मैड न्यूज। सबसे पहली खबर आई है दिल्ली से, जहां एक लड़की ने मेहमानों द्वारा मनपसंद गिफ्ट ना देने की वजह से अपनी शादी तोड़ दी। वैसे मैंने देखा है कि उनकी अगर लिपस्टिक सूट के साथ मैच नहीं हो रही ना, तो पूरा सूट लेने चली जाती हैं। ये नहीं कि 50 रुपए की लिपस्टिक ही चेंज कर ले। अगली खबर आई है अमेरिका से, जहां एक एक्सट्रीम कट जीन्स जिसकी कीमत $168 है, मतलब सिर्फ एक जिप, हुक और जेब इंडियन रेट के हिसाब से 12,000 के आसपास। मदुराई में एक शादी के कार्ड पर छपवाया QR कोड, सब मेहमानों के लिए डिजिटल शगुन दे सकें। अब जरा सोचिए, किसी ने QR कोड स्कैन करा और दूल्हे के बाप आ गए। ये भाई साहब, 1200 की तो प्लेट लगाई है हमने, 5 आपके मेंबर खाना खा गए हैं और शगुन आप 251 का डाल रहे हो। कुछ तो लिहाज करो यार, शगुन दे रहे हो या दान। और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देता हूं, क्योंकि अब वक्त हो गया है कॉमेडी अड्डा में टेढ़े सवालों का। प्लीज वेलकम स्पिन गेंदबाजी के बादशाह हरभजन सिंह और मोस्ट गॉर्जियस स्टनिंग नुसरत भरूचा। वेलकम भजी बाजी एंड नुसरत। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप लोग। भजी बाजी, ये बिंगो कॉमेडी अड्डा है तो यहाँ पे हर चीज टेढ़ी होती है। आप दोनों से कुछ टेढ़े सवाल करे जाए। मजा आए टेढ़े सवालों में। अलग मजा है ना। चलो टेढ़े सवाल शुरू करते हैं। विराजमान हो जाइए। चलो तो नुसरत, सबसे पहला टेढ़ा सवाल जो है वो आपसे है। सोनू के टीटू की स्वीटी, प्यार का पंचनामा है ना, ये जब मैंने फिल्में देखी थी ना, मुझे लगा कि नुसरत जो है वो लड़कों के पीछे पड़ गई है। तो किसी लड़के ने आपको प्यार में धोखा दिया था या आपकी हॉबी है लड़कों से बदला लेना? मेरी एक्चुअली हॉबी है धोखा खाना। धोखा खाना? हाँ। अब क्या है, मैं रियल लाइफ में एक्चुअली अच्छी लड़की हूँ, बहुत अच्छा। अच्छी लड़की हूँ तो अच्छा। मैं रियल लाइफ में तो बदला नहीं ले सकती ना। हाँ, हाँ। तो मैं पिक्चरों में बदला ले लेती हूँ। बनता है ना, मतलब और क्या करूँ। कहीं तो भड़ास निकालें। बिल्कुल भजी भाजी, एक चीज मैं जो जानना चाह रहा हूँ ना, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि भजी भाजी मिलेंगे तो मैं पूछ लूंगा जी। ये गरबा कहाँ से सीखा आपने? गरबा मैंने? मैं भंगड़ा करता हूँ यार। अरे नहीं, गरबा पंजाबी बंदा हूँ, गुजराती थोड़ी हूँ। आप गरबा करते हैं, आपको मालूम नहीं है? मैं कब गरबा करता हूँ? एक काम करिए, आप बताइए, आप बॉलिंग करिए, मैं आपको बताता हूँ आप गरबा कब करते हैं। आप बॉलिंग करिए, मैं बताता हूँ आप गरबा कैसे करते हैं। ये गरबा नहीं है भाई। अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम जब नवरात्रे वगैरह होंगे ना, तो फिर अहमदाबाद से मुझे बहुत क्वेरीज आएंगी। अच्छा, क्योंकि अगर उनको एक साथ में डांसर चाहिए हो तो फिर और एक डांसर में। ओके भज्जी भाजी। हाँ जी। आपकी एक तो बॉलिंग कमाल है, मतलब जो फिरकी आप घुमाते हैं ना, बॉल यहाँ फेंकते हैं, जाती वहां पर है। अच्छा। तो ये तो हो गया आपका प्रोफेशन। घर पे कभी भाभी के सामने कोई बात घुमाने की कोशिश करी है और कामयाब हो गए हो? देखिए, मैं
बॉलिंग इतनी कर ली है मैंने अपने थ्रू आउट द करियर ना, तो जितनी मेरी घूमने वाली बॉलें थी ना वो मैं बाहर ही खत्म कराया था, पूरी खत्म कर। हाँ, तो अब मैं घर पहुंचा हूँ तो बॉल मैं घुमाने की कितनी भी कोशिश कर लूँ सीधी जाती है, स्पिन होती ही नहीं है यार। तो वो स्पिन होनी बंद हो गई है यार, शादी के बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गई। शादी के बाद बिल्कुल स्पिन नहीं हो रही, सीधी सीधी जा रही है बिल्कुल। नुसरत एक बात बताइए, इंसान की ना फितरत कभी खत्म नहीं होती है ना, उसकी कुछ चीजें ना हमेशा उसके साथ रहती हैं। अब आप माशाल्लाह सेलिब्रिटी बन गई हैं, स्टार हैं आप, कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट में भाजी लेने गई हूँ आप और सब्जी वाले से कहा हो भैया 50 रुपए कम लगा लो चाहे सेल्फी ले लो? देखो डिस्काउंट मांगना ना हर इंडियन का हक है, सेलिब्रिटी और नो, यस डिस्काउंट तो मांगना जरूरी है, बट फर्क इतना है कि मैं सब्जी में नहीं मांगूंगी ना, मतलब बड़ा डिस्काउंट एग्जैक्टली। और अगर मैं फोटो दे रही हूँ तो 50 रुपए क्यों, 5000 रुपए का डिस्काउंट मांगूंगी ना, मतलब लेवल का होना चाहिए डिस्काउंट। हाँ, लेकिन मांगेंगे सब्जी वाले से नहीं। भाजी भाजी एक चीज बताइए आप जी, देखिए क्रिकेट गेम है और गेम में हार जीत चलती रहती है। हाँ जी बिल्कुल सही बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी टीम हारने वाली हो और आपके मन में आया हो हे भगवान बारिश करा दे, हे भगवान बारिश करा दे? बहुत बार होता है बहुत बार होता है, और स्पेशली बाहर के टूर पे जब हम ऑस्ट्रेलिया जाया करते थे, साउथ अफ्रीका जाया करते थे, तो चौथे पांचवें दिन ऐसी स्थिति आ जाती थी कभी कभार कि अब मैच ना उस पोजीशन पे है कि हम यहाँ से मैच हार जाएंगे। अच्छा, तब फिर यही था कि अब तो सिर्फ वो ऊपर वाला ही बचा सकता था, और कई मैच जो है वो ऊपर वाले ने बचाए भी हैं ऐसे ही। और ये प्रेयर तो फैंस भी करते हैं ना बैठ के घर पे कि अब ये मैच गया बारिश करा दो रद्द करा दो बस प्लीज, हार तो नहीं देख सकते हम इनको, कल देख लेंगे कल देख लेंगे फिर आना फिर देख लेंगे, बस आज बचा लो भगवान आप। भाजी भाजी हाँ जी, क्रिकेट में बिल्कुल सही बताइएगा, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कैच छूट जाने पर सबसे ज्यादा चोट का नाटक करता है? ऐसे बड़े हैं, मतलब में से श्री शांत एक थे कि क्या बोलते हैं जरा बताइए ना, वो लाइट पड़ गया में। दूसरा और कई हैं ऐसे, मैं बड़े बड़े नाम भी हैं, मैं उनके नाम मैं ले नहीं पाऊंगा। नुसरत देखिए, जितने सेलिब्रिटीज हैं ना वो मालदीव जाते हैं, वहां जाके पिक्चर्स खींचते हैं, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, है ना, आप भी गई थी, तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब सेलिब्रिटीज मालदीव जाते हैं तो कैमरामैन मुंबई से लेके जाते हो या वहाँ से हायर करते हो कहीं? आई डोंट नो यार, आई गेस जो साथ जाता है वही फोटोग्राफर बन जाता है, I mean, और क्या। अच्छा, जो किसको लेके गई थी जिनको आपने फोटोग्राफर बनाया? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं 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 नहीं, ये नहीं पूछो मेरे को। हाँ, ये तो फोटोग्राफी से पता चल जाएगा मुझे कि साथ में किसको लेके गई। नहीं वैसे नवेद वहाँ मिल भी जाते हैं फोटोग्राफर्स। अच्छा, मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। आपका एक्सपीरियंस है, आपने कभी लिया? हाँ, मैं पिछले साल फरवरी में जी, मैं मेरी वाइफ मेरी बेटी और मेरे कुछ दोस्त हम वहाँ पे गए थे। अच्छा, मार्च में गई थी। हाँ, हम फरवरी में जाके आए थे, तो तब वहाँ पे हमने वो फोटोग्राफर जो था वो हायर किया था, क्योंकि फैमिली पिक्चर्स होती हैं तो ऑब्वियसली आपको फोटोग्राफर चाहिए, पर अगर कोई सिंगल फोटो लगाए तो कोई तो खींच रहा होता है। नुसरत आप यही बता दीजिए कि ये फोटो खींच कैसे रहे थे? ऐसे सेल्फी से, माय सेल्फी गेम इज ऑन पॉइंट। लेकिन देखिए आप सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड से ही मुझे याद आया कि पिछले साल भी हमारे कितने सेलिब्रिटीज की शादी हुई है, बहुत ज्यादा, मतलब अचानक से ये भी शादी हो रही है, विराट की शादी हो गई, अनुष्का की शादी हो गई, शादी हो रही हैं। एक दूसरे के साथ ही हुई थी। हाँ, एक दूसरे के साथ ही हुई। एक ही शादी को दो बार की मारी है। मुझे बताइए आपके यहाँ सेलिब्रिटीज में शगन कितना चल रहा है? मतलब लिफाफे में कितना डालते हैं आप, 1100 के हिसाब से प्लेट देख के यार 1100 है तो प्लेट तो डालना है 1100 का, इतना तो खाना ही खाना है। देखो ऑनेस्टली मैं किसी सेलिब्रिटी की शादी में गई नहीं हूँ आज तक नहीं गई नहीं। एनवेलप से ना मुझे एक कहानी याद आती है, मेरी शादी में शिखर धवन आता है और बड़ा नाचता है, खूब नाचा, खाना खाया, मजे किए, सब कुछ किया। हाँ। जाते हैं पाजी, जब भी पाजी मजा आ गया। हाँ। पाजी शगन, तो वो मेरी जेब में डाल गया इधर ही, मैंने कोई यार कोई नहीं। अच्छा चल ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बंदा अगले दिन देखता है यार कौन शगन में, मतलब क्या क्या है, क्या क्या कौन से गिफ्ट मिले हैं। जब मैंने शिखर धवन वाला वो लिफाफा खोला, खाली लिफाफा निकला यार, तो मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा जट जी
तूने यार शगन बहुत ज्यादा डाल गया यार तू। तो कहता पाजी वो शायद हो सकता है यार कल मस्ती वस्ती में, हो सकता है ज्यादा आ गए हैं। मैं कहा यार कुछ निकला ही नहीं। कहता अच्छा। कहता पाजी फिर जो शगन वाला लिफाफा था ना वो घर पे रह गया, ये खाली वाला मैं उठा के वहां ले आया। वो ऐसा भुलक्कड़ आदमी है। भाजी भाजी एक चीज, जब जब हमारी टीम जीतती है ना और मैन ऑफ द मैच आपको मिलता है तो ऐसे सीना चौड़ा हो जाता है ना, गुरूर होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि मैन ऑफ द मैच आपको मिला हो और आपको बाइक मिल गई हो और आपके रिश्तेदार बुआ के लड़के मासी के लड़के कह रहे हो कि यार बाइक हमको दे दे, तू तो बाद में लेता रहेगा, और ले गए हो तू मैच खेलता रहे हम तो बाइक ले जा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कोई 5-6 बाइक जीती थी। अच्छा। पर घर पे अब एक भी बाइक नहीं है, मुझे नहीं पता वो कौन ले गया। क्योंकि जिस बार मैं बाइक जीत के लेके जाता था घर पे पहुंचती थी कोई ना कोई लेके जाता था, उसके बाद वो वापस नहीं आई है। और 5-6 होंगी और 5-6 में से अभी भी नहीं आया। और डिमांड और आ जाती है। अच्छा। अगली बार जीतोगे ना तो अगली बार मुझे चाहिए, तो ये और एक डिमांड आती है। एक बार मैंने गाड़ी भी जीती थी। अच्छा। मैंने कहा ये भी कोई ले जाएगा, मैंने पहले बेच दी। भाजी भाजी या नुसरत, अब आपको ये बताता हूँ कि मैं जिस चीज के लिए फेमस हूं ना वो काम आपको दिखाता हूँ। और खास तौर से मैंने आपके लिए और आप दोनों के लिए किसी को बोइंग किया है। बोइंग? बोइंग। ये क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूँ, ये देख के पता चलेगा मैंने प्रैंक किया था। इधर देखिए, ये प्रैंक देखिए, मजा आ जाएगा। हेलो। अच्छा यहाँ भी? अब बाहर आ गया हूँ मैं। और आपको मालूम है जब मैं ड्राइव करता हूँ तो अकेले ड्राइव नहीं करता, किसी को साथ में बिठाता हूँ, किसी को लिफ्ट देता हूँ। और लिफ्ट कैसे देता हूँ ये तो पता ही है आपको, और खास तौर से मुंबई की सड़कों पर। ना 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 ना, अकेले तो जाना ही नहीं है। अब मेरे साथ रहना, अब बताना मत किसी को। बाय बाय, आगे मिलते हैं, आगे मिलते हैं। ये आप क्या बने हुए हो? क्या ये? अब इंतजार है अंधेरी जाने का, जब रास्ता पता ना हो तो पूछो किसी से। एक्सक्यूज मी, अंधेरी के लिए कहाँ से जाना होगा? अंधेरी सर यहाँ से सीधा जाइएगा, यहाँ से लेफ्ट लीजिए। आप कहाँ जा रहे हो? हम भी उसी साइड जा रहे हैं। मैं सर अंधेरी ही जा रहा हूँ। इफ यू डोंट माइंड मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, आप मेरे को बता भी देना, मैं नया हूँ थोड़ा बॉम्बे में, मुझे मालूम नहीं है। आप कहाँ से हो? मैं एक्चुअली बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं इधर घूमने उमने आता हूँ, तो कभी आज अंधेरी जाना था काम से, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे रास्ता मालूम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। सर आप रेडियो चला लो ना प्लीज। नमस्कार, प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आज सुबह सवेरे खूनखार अपराधी एक व्हाइट कलर की इनोवा लेके फरार है। इस अपराधी से दूर रहें और उसको देखते ही पुलिस को सूचित करें। इस अपराधी की पहचान है, इसने पीले कलर की शर्ट और कैप लगा रखी है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये खांसता है। उसकी शक्ल देखो कैसे डरी हुई है यार। हम आपसे अनुरोध करते हैं इस अपराधी को देखते ही उससे दूर जाने की कोशिश करें। इस अपराधी की गाड़ी में कुछ ऐसे सामान हैं जो आपकी जान के लिए नुकसान दे सकते हैं। कृपया करके पुलिस को सूचित करें या फिर इस अपराधी से कहें कि गाड़ी रोक ले। सूचना समाप्त। भैया सुनिए ना, आप मुझे यहीं पर उतार दीजिए ना। कहाँ पे? यहीं पर उतार दीजिए। तो अभी अंधेरी कहाँ है मैडम? नहीं नहीं, आज अंधेरी नहीं जाना है, अभी इधर ही उतर जाना है मुझे। सर आप थोड़ा आगे साइड में लगा देंगे गाड़ी? क्यों आगे अंधेरी? नहीं सर अंधेरी है, वो मेरे को टॉयलेट आ गई। मुझे कुछ काम है, प्लीज यहीं पर उतार दीजिए भैया। सर प्लीज आप गाड़ी रोक दीजिए, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। क्या जबरदस्ती कर रहे हैं सर? मैं क्या क्या जबरदस्ती कर रहे हैं? तो हमको नहीं आना, आप हमें उतार नहीं रहे हैं। मेरे बच्चे मेरे घर पर इंतजार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज आप रोक दीजिए ना। अभी चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। नहीं मुझे यहीं पर उतरना है। नहीं, नहीं। पुलिस से याद आया, यहाँ पे ना इसमें वो रखा होगा कागज, गाड़ी के कागज रखे होंगे। डर गया वो? बिल्कुल डरा हुआ लग रहा पूरा। प्लीज आप रोक दीजिए ना, मैं यहाँ से ऑटो पकड़। मैं एक डॉक्टर है, उस क्लिनिक पर रोक दूंगा मैं। बहुत अच्छा डॉक्टर है। नहीं नहीं, मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊंगी, प्लीज आप रोक दीजिए प्लीज। आप मेरे वाले डॉक्टर के पास जाके देखो। नहीं नहीं, आप प्लीज रोक दीजिए मुझे, पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही है, प्लीज भैया। बेचैनी हो रही है? हाँ, नहीं तो मैं चिल्लाने लगूंगी, प्लीज आप दरवाजे खोल दीजिए। मैंने क्या पूछा था? अंधेरी जाना है तो अंधेरी जाना है। इसका खून तो नहीं कर दोगे ना आप? केपेबल लग रहे हो मुझे।
मैं ना दरवाजा खोल दूंगी। सर आप जबरदस्ती कर रहे हो। मैं दरवाजा खोल दूंगी, आप गाड़ी रुकाओ। दरवाजा मत खोलना अंधेरी से पहले। मैं नहीं, मैं सच्ची खोल दूंगी, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। आप मेरी बात, एक्सीडेंट मत करो, दरवाजा मत खोलना, मैं आगे रोकूंगा दरवाजा। आगे रोकूंगा दरवाजा। मेरी बात सुन लो, आगे रुक जाएंगे, आगे रुक जाएंगे। सर बहुत तेज आ रही है। एक बात बताऊं मैं आपको, आप बहुत प्यारी हैं, है ना? और मैं भी बहुत प्यारा हूँ। कि कब में ये प्रैंक पूरा हो गया? अंधेरे तो कब का आ गया, लेकिन इस अंधेरे से बाहर निकल जाते हैं अब। मजा आ गया, मजा इनको यूं आ गया क्योंकि इनका तो हो गया। बढ़िया भाजी। भाजी नुसरत, मैं अभी जिनको बुला रहा हूँ ना जी, ये कमाल के स्टैंड अप कॉमेडियन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिंगो कॉमेडी अड्डा की शुरुआत इन्हीं से हुई थी। प्लीज वेलकम जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन अभिजीत गांगोली। माय नेम इज अभिजीत गांगोली, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए हूँ। इट वॉज ईदर मी या तो दो बेली डांसर्स फ्रॉम लेबनन। प्रोडक्शन वालों ने मुझे चुना। कट गया सर भाई, क्या किया यार। चलो एनी बट एक्चुअली काफी एक्साइटेड हूँ मैं आप लोगों के सामने परफॉर्म करने में। हरभजन सर बिग फैन, बहुत बड़ा फैन मैं। पहली बात तो बहुत ज्यादा फनी हो आप। नेचुरली भी जो स्टोरीज कह रहे थे बहुत ज्यादा फनी, और सच बताओ तो इतना फनी नहीं होते। सही बात है। हमारे पेट पे लात मारने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सर आपकी हर कहानी में शीशांत ही है। वो आलू है। हाँ वो आलू है, वो हर जगह पाए जाते हैं। मुझे तो लग रहा था आप जो मालदीव से बोल रहे थे ना कि वो फोटो कोई और खींच रहा था, वहां पर भी आप शीशांत को ही डाल दोगे। थोड़ा अपने बारे में बोलना चाहूंगा, मैं मैरिड हूँ। सर आप हरभजन जी, आपकी शादीशुदा है ना? हाँ जी। कैसी चल रही है सर शादी? बस जैसी आपकी। इतना ऑनेस्ट नहीं होते सर लाइव टीवी में। मैं तो कॉमेडी करके निकल जाऊंगा, आपको तो घर जाना है वापस। पर मैं शादीशुदा हूँ, मैं काफी ज्यादा शादीशुदा हूँ, मैं बहुत ज्यादा शादीशुदा शादीशुदा। मैं इतना ज्यादा मैरिड हूँ कि मैं कभी कभार कुछ वाइफ से कुछ पूछने से पहले मेरा एक दिमाग में रिहर्सल पूरा कॉन्वर्सेशन हो जाता है। कि मैं ये बोलूंगा, फिर वो ये बोलेगी, फिर मैं ये वाला पॉइंट दूंगा, पर फिर वो दो महीने पहले वाला वो भी तो ले आएगी यार। और ऑफ कोर्स जब मैं ये सब सोच रहा हूँ तो शी इज राइट देयर गोइंग, क्या व्हाट आर यू थिंकिंग? इंडिया मैच। पर काफी कुछ पता चला है। मैं ये ना पहली बार है आई एम स्टेइंग विद अ फीमेल, इससे पहले ज्यादातर लड़के दोस्ती रहे एंड बड़ा भाई, तो पहली बार मैं लिविंग विद अ फीमेल, तो काफी कुछ पता चल रहा है अबाउट द फीमेल वे ऑफ लाइफ। जैसे बालों का बहुत सीन होता है आप लोगों का। सीन बहुत ज्यादा सीन होता है। लाइक मेरी बीवी कभी वो नींबू लगा रही है, कभी प्याज लगा रही है, कभी दही लगा रही है, अंडा चाट बना रही है यार वो बालों में। मैं विनेगर लेके आया कि रात को चाइनीज के साथ खाऊंगा, शाम को वो लगा गई। मैं सूंघ सूंघ के फील लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब काफी कुछ पता चल रहा है। जैसे कोई एनी फीमेल, एनी कोई भी लड़की ना किसी भी और लड़की के साथ हाफ एन आवर का डिस्कशन कर सकती है अबाउट बाल इशूज। कोई भी, बहुत कुछ मैरिड लाइफ से इतना सब कुछ पता चला ना। लाइक शादी होने से पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि अंडरवेयर कैन बी फोल्डेड। तय हो सकते प्रॉपर ऐसे। मुझे बाकी भी नहीं मालूम था कि अंडरवेयर फोल्ड हो सकते हैं। करके देखना जाके। हाँ वो ये, अब ये पता नहीं फोल्ड कितने करने, डिपेंडिंग ऑन कच्चा कितना लंबा है। लाइक शादी में से मेरे को मालूम ही नहीं था कि कुछ शर्ट्स लाइक ऊपर का कैन नॉट बी वॉर्न विद सम जींस या ट्राउजर्स नीचे का, बिकॉज एज अ कॉम्बिनेशन वो सही नहीं बैठता। लाइक मुझे कुछ दिन पहले कहीं स्मार्ट कैजुअल्स में जाना था, स्मार्ट कैजुअल जहाँ, तो मैंने एक ब्लू शर्ट पहनी और मैंने ब्लू जींस पहनी एंड आई आस्क्ड माय वाइफ, मैंने उससे पूछा कि ये सही लग रहा है क्या, ये सही है? शी इज लाइक, एंड मैंने कभी कुछ बोला है क्या तुम्हें आज तक, कभी कुछ भी बोला है? Like, सही। फिर मैं जूते पहन लगे, मैंने एक जूते पहना, दूसरा जूते का आखिरी फीते बाद नहीं आता है, खुद नहीं लग रहा है जो पहना, घटिया सा लग रहा है। Now, इस पॉइंट पे मैं सोच रहा हूँ यार क्या बकवास है, जो बोलने एक ही बार में बोल दे। बट अगर मैं वो बोलता शी वुड हैव बीन लाइक, अच्छा जब तुम मुझे बोलते हो मैं तो इतना स्पोर्टिंग ही लेती हूँ।
जिसको मैं बोलता, पर मैं तुझे कभी कुछ बोलता ही नहीं हूँ. टू विच शी वुड हैव रिस्पोंडेड, अच्छा मैं तुम्हारे सर पे नाचती हूँ. नहीं तो मेरा ये पूरा कॉन्वर्जेशन हुआ मेरे ही दिमाग में. एंड ऑफ कोर्स वाइफ इज राइट देयर गोइंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, इंडिया मैच आ गई. थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू. मैडनेस ऐसे ही जारी रहेगी अगर आप साथ रहेंगे. अगले एपिसोड में मिलूंगा एक ज्यादा मैडनेस के साथ. देखते रहिए बिंगो कॉमेडी अड्डा. टेक केयर, बाय. शाहरुख को शायद ज्यादा लड़कियां पसंद करती हैं, आपको लॉन्डे ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ऑन ग्राउंड आई मीट मोर गर्ल्स, क्योंकि अपेरेंटली उनका ये कहना है कि हमने आपको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ क्योंकि हमारे भाइयों ने मना किया हुआ. काजल लगाने के लिए अगर आपके घर में केला पड़ा हो, यू नो, तो केले की टिप को स्पीड बढ़ाइए और Before Aparul Shakti, I was named Parul. सोचिए मतलब, एंटर कर रहे हैं Parul. अच्छा लगता आपको? लड़कियों की तो अच्छा लगता है. मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए हूँ. It was either me या तो दो बेली डांसर्स फ्रॉम लेबनन. प्रोडक्शन वालों ने मुझे चुना. कट गया सर. भाई क्या किया यार. चलो एनीहाउ.